नमस्कार दोस्तों, आज आपसे हिंदू सनातन धर्म के बारे में एक बहुत ही रोचक जानकारी साझा कर रही हूँ। क्या आपको पता है हिंदी पंचांग? हाँ, वही कैलेंडर जिसमें हम अपने व्रत और त्योहारों को देखते हैं। उसमें हर एक साल का एक नाम होता है और हर साल का नाम का एक मतलब होता है। ऐसे कुल 60 यानी 60 नाम है जिन्हें हम संवत्सर कहते हैं। हर एक नाम 60 सालों के बाद ही दोबारा आता है। हिंदी पंचांग के अनुसार नया साल हमारे इंग्लिश कैलेंडर के मार्च या अप्रैल के आसपास स्टार्ट होता है, जिसे हिंदी में हम चैत्र मास कहते हैं। चलिए बात करते हैं अलग-अलग सालों का क्या मतलब है और क्या नाम था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साल 2019 और 20, जिसका नाम था विकारी, जिसका मतलब है विकार यानी इलनेस, बीमारी। कहने की जरूरत नहीं है कि ये कितना सच था। इस साल की सच्चाई हम सबको अच्छे तरीके से याद है। 2020 और 2021 का नाम था शर्वरी यानी कि डार्कनेस, अंधेरा, रात। और इस समय भी पूरा विश्व एक तरह के अंधकार में ही चला गया था। 2021 और 22 का नाम था प्लव यानी कि फेरीज ऑल अक्रॉस अस, यानी कि कोई चीज, जब कभी हम अंधकार में होते हैं तो कोई चीज जिसे हम तड़प कर बाहर निकलना चाहते हैं, उछल कर, कूद कर, जैसे नदी में बाढ़ आ जाती है और हम फोर्सफुली उस अंधकार से बाहर आने की कोशिश करते हैं। तो 2021 और 22 एक ऐसा समय था और हमने देखा पूरा विश्व तरह तरह की मुश्किलों का सामना कर रहा था और कोशिश कर रहा था कि किस तरीके से वो इन मुश्किलों से निकलकर आशा की तरफ बढ़े। अब आने वाला है साल 2022 और 2023, और हम सबके लिए एक खुशखबरी है कि इस साल का नाम है शुभ कृत यानी कि क्रिएट समथिंग ऑस्पिशियस, क्रिएट ऑस्पिशियसनेस यानी कि इसके आने पर विश्व में सुख शांति होगी, लोगों में मैत्रीता होगी, मैत्री मैत्री जैसे फ्रेंडशिप कहते हैं, अच्छी फसलें होंगी और डिफरेंट कंट्रीज के जो ऑफिस बेयरर्स हैं या जो प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्रपति हैं उनके बीच में भी आपस में मित्रता होगी। अब दोस्तों, मानो या ना मानो, सनातन धर्म एक बहुत ही वैज्ञानिक और वास्तविक धर्म है। हमारे ऋषि मुनि वो सारी गणनाएं कर पाते थे जब आजकल की तरह के मॉडर्न गैजेट्स और इक्विपमेंट्स तब उपलब्ध नहीं थे। इसीलिए तो हम हिंदू सनातन धर्म को एक वैज्ञानिक धर्म कहते हैं। इसी तरह की और रोचक जानकारियां लेकर मैं आपके सामने आती रहूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।